गुड इवनिंग और सबको मेरा नमस्ते। तो आज स्टूडेंट्स डे है, आप लोगों का दिन। लेकिन एक स्टूडेंट कौन होता है? तो हिंदी में हम इसे विद्यार्थी कहते हैं, जो नॉलेज को सीक करे। एंड इज इट ओनली समबडी हु इज इन अ स्कूल और कॉलेज, एंड आफ्टर यू लीव स्कूल और कॉलेज आर यू नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर? दिस इज अ क्वेश्चन विल पॉन्डर ऑन, क्योंकि स्टूडेंट जो है इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। क्योंकि लाइफ हमेशा हमारी तरफ, इट कीप्स थ्रोइंग अस डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट सिचुएशंस, एंड सक्सेस ओनली कम्स टू दोज हु कीप ऑन री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स बाय लर्निंग टू मीट दीज सर्कमस्टांसिस एंड सिचुएशंस लाइक अ वॉरियर, यू नो। And that can only happen when you keep learning new skills, new knowledge, and new attitudes. So I would like to first of all tell you that as long as we are alive, we are all students. And you saw that today in Dr. Kalam's case, that till the very end, he said that he was a teacher, but what was the parallel thing he was doing was learning constantly. From a scientist to a politician to the president to a teacher to a writer of books, he constantly, to a student of Sanskrit, I was reading on Wikipedia, he was also a student of Bhagavad Gita. So he kept learning all his life. So we are constantly learning. And remember this, that hum zindagi bhar ke liye students rehte hain, or we also are teachers and students at the same time. One cannot be a good teacher unless one is a good student, and vice versa, one cannot be a good student till one is a good teacher. आपने देखा होगा कि आप क्लास में जितना भी समझ लें, बट वेन यू शेयर इट विद अ फ्रेंड जो आपसे कमजोर है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, या कोई भी और सब्जेक्ट हो, जब आप एक बार समझा देते हैं तो यू ऑल्सो लर्न एंड बिकम बेटर। So remember these two points. One is ki we are lifelong students, and we are constantly students and teachers all our lives. तो ये पहली बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग कोई 10th में होंगे, कोई कॉलेज में होंगे, किसी ने कोई स्ट्रीम चूज कर ली होगी, इंजीनियरिंग। किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए राइट स्ट्रीम नहीं है, तो देर इज नथिंग टू पैनिक, बिकॉज द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कि वी कैन बिकम एनी बडी एनी टाइम इन आर लाइव्स। प्लीज रिमेंबर दिस। ये हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता, हमारे सोशल बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता, हमारे वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता कि हम बस फिक्स हो गया कि यही बन सकते हैं। सो वी कैन कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट आर सेल्व्स, एंड वी कैन बिकम anybody any time in our lives. I'll give you an example from my life. I was a science student, and then I did my physics honors. I was a gold medalist, and then I found that while I am a researcher and I loved physics, but there was a entrepreneur in me as well. You know, I'm also somebody who likes to put together projects, and therefore I pursued an MBA और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया। लेकिन जैसे पहले एक स्पीकर बता रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो हमारा पैराडाइम बन गया, नैरेटिव, कि हम सिर्फ नौकरी चाहते हैं। तो नौकरी क्यों, हमें नौकरी नहीं हमें सीख करनी चाहिए, हमें मालिक ही सीख करनी चाहिए, राइट? वी शुड बिकम ऑन्टरप्रेनर्स। और ऑन्टरप्रेनरशिप क्या होती है? इट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट एंड मॉनिटाइजिंग इट। सो देर कैन नॉट बी अ बेटर कंट्री टूडे दैन इंडिया, जहां पर कितनी सारे ऑन्टरप्रिनोरियल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हम इतने सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर यूरोप जाओगे या बहुत सारी कंट्रीज में जो ऑलरेडी डिवेलप्ड हैं, वहां कुछ ज्यादा करने को नहीं है, वेर एज इंडिया में बहुत कुछ करने को है। तो हमारा जो सोशल प्रेशर होता है और एजुकेशनल प्रेशर होता है, जो हमें इवन IIMs वगैरह में बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं,
इट इज मोस्टली अबाउट टेकिंग अ जॉब समवेयर. तो इसको हमको थोड़ा डीग्लैमराइज करना होगा. और जो हमारा सक्सेस फैक्टर होता है कि किसी को अब्रॉड नौकरी मिली, एनआरआई को जो हमने इतना ग्लैमराइज किया हुआ है, उसको भी हमें थोड़ा डीग्लैमराइज करना होगा. तो हमारी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में सक्सेस का अलग ही डेफिनेशन है. हमारे यहाँ लद्दाख से हर कोने से बच्चे आते हैं पढ़ने. तो एज एन इंस्टीट्यूट फॉर मी सक्सेस इज व्हेन दे वांट टू गो बैक टू देयर विलेजेस एंड इम्प्रूव देयर विलेज इन द एरिया व्हिच दे हैव लर्न्ड हियर. टू अस दैट इज द सक्सेस फैक्टर, नॉट दैट समबडी वॉन्ट्स टू गो टू दुबई और यूएस. मैं छोटी सी कैलकुलेशन कर रही थी कि ये इतनी बड़ी कंट्री है, इतने लोग हैं, 1.3 बिलियन लोग, फिर भी हम इसे डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे. 70 साल बीत गए जब से हमें वी गॉट इंडिपेंडेंस. और एक छोटी सी आप कैलकुलेशन अगर करेंगे कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज 60%, 20 to 65 एज ग्रुप जो है, विच इज क्लोज टू 80 करोड़, यू नो, आउट ऑफ 135, दैट इज 8,000 लैक्स. और पूरे इंडिया में हमारे 6 लाख विलेजेस हैं और अबाउट 4,000 सिटीज हैं. सो यू कैन इक्विवेलेंटली से दैट 4,000 सिटीज मे बी लाइक 4 लाख विलेजेस. तो हमारे पास लेट्स से एक तरफ 10 लाख विलेजेस हैं पूरे इंडिया में और 8,000 लाख लोग हैं. तो इफ यू डिवाइड वर्किंग पीपल, वी हैव 800 पीपल पर विलेज ऑन एन एवरेज वर्किंग पॉपुलेशन. तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक गली भी जो हम पढ़ पढ़ के निकलते हैं, यू नो, एज प्रोफेशनल्स, अगर हमने एक एक दो दो गलियां भी ले ली अपने विलेज की या अपने जहां हम रहते हैं, और उसको हमने अगर इम्प्रूव किया, तो इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. तो आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स कि प्लीज ब्रेक अवे फ्रॉम ये जो पैराडाइम्स हैं. एक तो कि हमें पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नौकरी, इट इज नॉट नौकरी, इट इज टू डिवेलप इंटीग्रली हमारे. वी हैव अ बॉडी, वी हैव इमोशंस, वी हैव माइंड. ये तीनों को डेवलप करना जरूरी है. दैट इज ट्रू एजुकेशन एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग ऑल थ्रू आर लाइव्स, यू नो, ताकि व्हेन वी डेवलप इंटीग्रली एंड एज एजुके एंड वी पास आउट, देन वी शुड थिंक कि सिंस आई कैन बिकम एनीबडी आई वांट, व्हाट शुड आई बिकम. तो ये जो आंसर इससे नहीं आना चाहिए कि आई शुड, व्हाट विल गेट मी अ BMW इन 10 ईयर्स, और हाउ विल आई मेक अ 8 डिजिट सैलरी. ये सब रिजल्ट्स हैं, ये परस्यूट्स, गोल्स नहीं हो सकते, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो व्हेन अ कंट्री व्हिच हैज सच अ ब्राइट एंड ग्लोरियस पास्ट, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके जहां आज की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के कितने 1,000 टाइम्स बुक्स थी, जिसने दुनिया को साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, यू नो, हर फील्ड में इतना कुछ दिया है, आज हम वेस्ट वर्ड देख रहे हैं कि हमें वहां से आए सॉल्यूशंस. तो वी हैव टू टर्न द पैराडाइम. तो ये तभी हो सकता है जब हम शुरू से ही एजुकेशन जब करते हैं तो उसमें तीन चीजें इम्पोर्टेंट सीखते हैं. एक तो हमारी एजुकेशन कॉन्टेक्स्चुअल होनी चाहिए. हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हैं हमें उसको समझना बहुत जरूरी है. हमारी किताबों में अमेजॉन फॉरेस्ट और सवानास के बारे में सब कुछ होता है, लेकिन किसी भी 10th क्लास के बच्चे को आप पूछिए कि आपके जो घर के बाहर मिट्टी है ना, उस सॉइल में क्या क्या ग्रो हो सकता है, तो वो बच्चों को पता ही नहीं होता. तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो हम ना उसको एज टेक्निकल पीपल, एज इंजीनियर्स उसमें सुधार ला सकेंगे, ना एज एंटरप्रेनर्स उसमें हम लाइवलीहुड ढूंढ सकेंगे. और ये हम देख रहे हैं कि इन अ प्लेस लाइक उत्तराखंड, जहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने फॉरेस्ट हैं, इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां से लोग माइग्रेट होके रूरल अच्छी लाइफस्टाइल्स को छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं एज माइग्रेंट वर्कर्स, एंड दे लूज देयर आइडेंटिटीज व्हेन दे कम टू अ लार्ज सिटी. एंड आई हैव मेट सम ऑफ देम, इट्स वेरी सैड. और वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके विलेज में क्या क्या कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है. जैसे लद्दाख में भी बहुत सारी हर कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया स्पेशली बहुत रिच है इन रिसोर्सेज, इन अपॉर्चुनिटीज. तो
फर्स्ट हमें अपने एजुकेशन, चाहे स्कूल पढ़ाए या ना पढ़ाए, पर एज स्टूडेंट्स हमें वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट को समझें। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जो हमें अपने एजुकेशन में करना चाहिए वो ये है कि हाथों से काम करना आना चाहिए। आज पढ़ाई सिर्फ 3 R है, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक, लेकिन 3 H को हमें शिफ्ट करना चाहिए, जो कि रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक सिर्फ हेड को थोड़ा बहुत डेवलप करती है, लेकिन वो ना हमारे हार्ट को कंपैशनेट बनाती है, काइंड बनाती है, सिंपैथेटिक बनाती है, ना हमारे हैंड्स को हम डेवलप करते हैं स्किल्स। तो ये आर्टिफिशियल जो डिवाइड बन गया है ना, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर, एक हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल जानेंगे, आर्किटेक्ट जो सिर्फ ड्राइंग करेंगे, और दूसरे हैं जो वर्कर्स काम करेंगे। दिस इज द रीजन वाई इनोवेशन इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि जब वो आर्किटेक्ट ग्राउंड पे खड़ा होके देखेगा कैसे बन रहा है तो ही उसको आइडियाज आएंगे। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ हमारा एजुकेशन, एक तो कॉन्टेक्चुअल हमें समझना है, एक हमें एक्सपीरियंशियल उसे बनाना है। जो भी हमने सीखा है वी शुड ट्राई टू अप्लाई एंड लुक एट वॉट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। सो इफ आई कैन बिकम एनी बडी दैट आई वॉन्ट, हु शुड आई बिकम? सो शुड आई नॉट बिकम समबडी हु कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन माई कंट्री? शुड आई नॉट बिकम समबडी हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई कंट्री? क्योंकि इफ दिस कंट्री हैज टू बिकम ग्रेट, ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वी एक एक आउंस ऑफ ब्लड एंड स्वेट जो है वो दुबई को सर्व करने या US को सर्व करने के लिए ना हो, बट अपनी मदर लैंड को सर्व करने के लिए हो। और लेट अस नॉट लुक एट जॉब्स, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दे टेक अप अ जॉब बिकॉज इट इज वेल पेइंग, बट वो ना उनके इंटरेस्ट के हिसाब का होता है, ना इट इज समवेयर दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, एंड बाय द टाइम दे आर 40 या 45 यू मस्ट हैव हर्ड देर इज समथिंग कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। तो बहुत लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रेजिडेंसी को छोड़ के दे स्टार्ट डूइंग यू नो समथिंग मैराथन रनिंग और समथिंग, बट इफ यू हैड एक्चुअली लव्ड योर जॉब और लव्ड व्हाट यू वर डूइंग, देन आई नो ऑफ पीपल हु टिल द डे ऑफ देयर लास्ट डे ऑफ देयर लाइव्स दे कंटिन्यू टू वर्क। सो वी हैव टू रियली लुक एट दिस एस्पेक्ट कि हम जस्ट जो इजिली जॉब आ रहा है उसको ना लें, बट जो हमारा ट्रू पर्पज है, जिसको जापानीज इकिगाई कहते हैं, जो पर्पज ऑफ लाइफ है कि व्हाट आर वी बॉर्न फॉर, व्हाट आर वी बेस्ट एट, नो व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, वेयर कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, वेयर कैन आई मेक अ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड फॉर दैट आई कैन लर्न एनीथिंग इफ इफ। और जब भी कुछ हम देखते हैं, जब हमारा मन करता है कि हमें सीखना चाहते हैं, तो उसको जरूर सीखना चाहिए। इट इज नॉट ट्रू कि टुडे व्हेन यू आर 16 और 18 और इवन 20 यू कैन प्रेडिक्ट कि मुझे ये बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी इज एवरी फ्यू ईयर्स डिस्ट्रप्टिंग, वी डोंट इवन नो 20 ईयर्स के बाद क्या होने वाला है। इट इज प्रेडिक्टेड कि 60% ऑफ द जॉब्स दैट वी नो ऑफ टुडे वॉन्ट एग्जिस्ट इन अबाउट 20 ईयर्स। सो वॉट इज दिस एजुकेशन दैट वी आर लर्निंग, वॉट शुड इट टीच अस? सो द ओनली थिंग दिस एजुकेशन शुड टीच अस इज लर्निंग हाउ टू लर्न, एंड दैट मेक्स अस स्टूडेंट ऑल आर लाइव्स। तो कोई बच्चा फियर पे बात कर रहा था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फियर हमें अपने सिर्फ कंफर्ट जोन पे रखता है, जो हमें ग्रो नहीं करने देता। और ग्रोथ कैसे आती है? जब लाइफ हमारी तरफ चैलेंज थ्रो करती है, या तो हम फियरफुल होके अपने आप में सिकुड़ जाते हैं, या वी कम आउट एज वॉरियर्स एंड वी लर्न दैट न्यू स्किल एंड फेस इट एंड वी ग्रो। सो दिस वे लाइफ डज नॉट बिकम अ ड्रजरी या समथिंग डिफिकल्ट, बट इट बिकम्स एन एडवेंचर, क्योंकि हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं और नया करते हैं, सो वी आर, इट इज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। रिमेंबर लाइफ इज नॉट अपॉर्चुनिटी वेयर यू सीक हैप्पीनेस। ये बहुत लोग कहते हैं कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, आई डिसएग्री। हैप्पीनेस अगेन इज अ आउटकम, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू प्रोग्रेस, इज टू कीप ग्रोइंग, इज टू कीप मीटिंग न्यू चैलेंजेस, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे टू द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी। एंड प्लीज डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। डोंट थिंक कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और मैं ये पोएट्री क्यों लिखने का मुझे मन कर रहा है।
हु नोज टुमारो देर बी अ न्यू फील्ड जो पोइट्री और इंजीनियरिंग को कंबाइन करे। आज से 30 साल पहले किसको पता था कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बनेगा, या कितनी सारी फील्ड्स हैं जो कि 30 साल 40 साल पहले थी ही नहीं, बट दे हैव बिकम फील्ड्स नाउ व्हेन टू अपोजिट और वेरी डिफरेंट थिंग्स मीट। तो आपके अंदर जितने भी टैलेंट हैं ट्राई टू डिवेलप दोज, हु नोज वो सब कैसे मिलते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ा, फिर मैंने एमबीए किया, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, बहुत सारे कंपनीज एंटरप्रेन्योरशिप किया, एंड टुडे आई एम सेटिंग अप हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। एक यूनिवर्सिटी है जो कि एजुकेशन में है, एंड आई एम नॉट ट्रेन्ड और आई हैव नॉट स्टडीड टू बी एन एकेडमिशियन, बट दिस यूनिवर्सिटी डज नॉट नीड अ प्योर एकेडमिशियन। इट नीड्स समबडी हु कैन अंडरस्टैंड रिसर्च, हु कैन अंडरस्टैंड एंटरप्राइज, हु कैन अंडरस्टैंड एकेडमिक्स एंड पुट इट ऑल टुगेदर। तो अगर मैं 16 साल की जब थी और जब मुझे अलग अलग चीजें सीखने का मन कर रहा था, तब अगर मैं सोचती कि ये सब कैसे जाके मिलेगा, आई डोंट थिंक आई वुड हैव हैड एन आंसर। बट यू जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो आपको सीखने का मन करे लर्न, बिकॉज एट सम पॉइंट दे विल कम टुगेदर। बट देयर इज वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स एंड माई सन, दैट डू नॉट जस्ट टेक अप समथिंग फॉर द सेक ऑफ इट जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट या इट्स फैशनेबल एंड देन ड्रॉप इट। इफ यू टेक अप समथिंग, टेक इट टू इट्स परफेक्शन, इट्स एक्सलेंस, टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, एंड ओनली देन, जैसे मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं आउटलायर्स में, कि उसकी जो इंसाइट्स हैं वो तभी आएंगी व्हेन यू आर एंगेज्ड विद इट। सो बी आउट देयर, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। लाइफ इज एन एडवेंचर। वी हैव नॉट टू प्रूव टू एनीबडी, वी डोंट हैव टू प्रूव टू आवर पेरेंट्स और टू आवर फ्रेंड्स और टू सोसाइटी। वी आर हियर बिकॉज गॉड हैड अ यूनिक पर्पज फॉर अस एंड वी हैव टू लिव आउट दैट पर्पज। और वो अगर किसी पैराडाइम के साथ मैच नहीं करता, किसी नैरेटिव के साथ मैच नहीं करता, डजेंट मैटर, मेक योर न्यू पैराडाइम्स, मेक न्यू नैरेटिव्स, डोंट सीक अ प्रोफेशन, क्रिएट अ न्यू प्रोफेशन जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता, बाय ब्रिंगिंग ऑल योर टैलेंट्स टुगेदर। दिस इज हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा कि 20 ईयर्स फ्रॉम टूडे यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड बाय द थिंग्स यू डिड नॉट डू देन बाय दोज यू डिड। सो थ्रो ऑफ द बोलाइंस, सेल अवे फ्रॉम द सेफ हार्बर, कैच द ट्रेड विंड्स इन योर सेल, एक्सप्लोर, ड्रीम, डिस्कवर। और मैं इस शायरी के साथ खत्म करना चाहूंगी कि किसी ने कहा है कि मेरा नहीं आह तेरा बताइए मेरा दिल कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपकी डेस्टिनी ये नहीं है कि आप एक पिजन बन के किसी गुंबद में सेफली बैठो, यू आर एन ईगल, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपको बेधड़क बिना फियर के विद फुल करेज यू शुड फ्लाई ओवर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज इन द स्काईज ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, सो दैट यू कैन लिव इन सम पहाड़ों की चट्टानों पर जहाँ कोई नहीं पहले पहुंचा हो। इसी के साथ आई लाइक टू स्टॉप एंड अर्ज यू, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ टूमोरो, टू परस्यू योर हार्ट्स विशेज एंड ड्रीम्स विदाउट एनी फियर, बिकॉज आई प्रोमिस यू दैट नथिंग गोज वेस्ट। अगर फेलियर भी होते हैं, और सबकी लाइफ में होते हैं, इवन अब्दुल कलाम जी की लाइफ में भी बहुत फेलियर्स हुए होंगे और उससे हम सीखते हैं, तो कोई भी एक्सपीरियंस गलत नहीं जाता। एट सम पॉइंट दे कम टुगेदर, वेयर वी लिव आउट द पर्पज ऑफ वाई वी आर बॉर्न। थैंक यू।